बैक टू माय चैनल कमलेश कार एसेसरीज। तो यहाँ पर आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जो कि BS6 मॉडल कमलेश कार एसेसरीज पे, जो कि तीन इको है वाइट कलर की। वो आप देख सकते हो कि तीनों तीन वाइट कलर की इको है और बहुत सारा मॉडिफिकेशन काम है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन वर्क किया है हमने। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाली इको है उसमें हमने गार्ड इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे क्रोम किट इंस्टॉल की हुई है, आप देख सकते हो हेडलाइट पे, फॉग लाइट पे फॉग लाइट इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे क्रोम किट भी आप देख सकते हो, मिरर पे भी हमने इंस्टॉल की हुई है, इंडिकेटर पे भी आप देख सकते हो, हैंडल भी आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने क्रोम इंसर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे पीछे स्पॉइलर भी इंस्टॉल किया हुआ है आप देख सकते हो। पीछे टेल लाइट में भी आप एक लुक देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाया है। और यहाँ पे अंदर इंटीरियर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सीट कवर भी इंस्टॉल किए गए हैं, और जो गियर वाला है उसमें भी एक गियर का कवर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे स्टेयरिंग नॉब भी इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि गैस किट कैसे उतारा, जो कि इको BS6 मॉडल है उसमें गैस किट कैसे उतारा। तो आप देख सकते हो कि अभी दोनों गाड़ियाँ नेकेड है, तो दोनों गाड़ियों में आपको गैस किट भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि पूरी नेकेड गाड़ी कंपनी में से ही लगकर आई हुई है गैस किट, तो आप देख सकते हो कि कैसे आती है कंपनी में से गैस किट। यहाँ पे पूरी सील आती है गैस किट, तो यहाँ पे सीट लगवानी हो तो नहीं लगा सकते गाइस आप, क्योंकि यहाँ पे ये सब आ जाता है मार्केट मॉडिफिकेशन में कमलेश कार में से। आप देख सकते हो कि अभी ये जो दूसरी गाड़ी है उसमें वर्क स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रिल निकाल दी है, और यहाँ पे जो गैस्केट हटाने का वर्क है वही आज का वीडियो है। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते थे कि यार गैस्केट के वीडियो दिखाओ, गैस्केट के वीडियो दिखाओ, तो आज दोनों इको में गैस्केट के वीडियो है, तो दोनों में आप देख लो। यहाँ पे अभी स्टार्ट किया गया नहीं है, तो यानी आप देख सकते हो कि कंपनी का गैस्केट कैसा है। और यहाँ पर ये सब खुल के आप देख सकते हो, ये ग्रिल क्लैंप खुल के पोर्टल को नीचे शिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पर उसका मैं आपको वर्क भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो चुका है, और हाँ गाइस कैसे हम लोग सीट लगाते हैं जो कि दो लोग बैठ सके, यहाँ पे दो लोग बैठ सके ऐसी सीट नहीं लगती, क्योंकि ये जो ग्रिल है वो सब आता है। तो यहाँ पे गैस किट शिफ्ट करके हम 2x2 वाली सीट इंस्टॉल करने वाले हैं, किसी को 3x2 वाली चाहिए तो भी मिल जाएगी। और हाँ गाइस, किसी को गैस किट नहीं हटानी है तो उसके लिए भी हम सीट लेकर आए हुए हैं, उसका पहले आपको वीडियो मैंने दिखाया था, तो प्लीज़ आप जाकर चेक कर दीजिए। और हाँ गाइस, ये वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, और आपको गैस किट का नॉलेज चाहिए तो इसमें ही आपको गैस किट का नॉलेज मिल जाएगा, जो कि इको BS6 के लिए। गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये काम करवाने से कोई कंपनी की वारंटी अवॉइड नहीं होती। और हाँ गाइस, यहाँ पे कंपनी से भी बात हो चुकी है हमारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साथ तीन इको मॉडिफिकेशन वर्क स्टार्ट है, और ये वर्क ओनली कमलेश कार एसेसरीज पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली वाइट वाली इको में यहाँ पे रूफ रेल्स का वर्क स्टार्ट है, देख सकते हो। यहाँ पे जो दूसरी दो इको है उसमें CNG का वर्क है, और जो बैक सीट है उसका दोनों का वर्क है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे CNG का वर्क स्टार्ट है, एक इको में स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि सीट बीच की निकाल दी गई है, और यहाँ पे जो क्लैंप जो खुलने जा रहा है वो ये क्लैंप तो खुल गया है, तो अभी वो उस वाला क्लैंप खुल रहा है, तो यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से तो कम्प्लीटली खुल गया है, और पीछे से ये क्लैंप खुलने का बाकी है, ये देखो। तो ये नोजल कैसे खुलती है वो भी आप देख सकते हो, ये स्टैंड भी ये बोल्ट खोल के निकल जाएगा। तो यानी आपने देखा कि कैसे ये गैस्केट हमने उतारी, जो नोजल है कैसे प्रॉपर तरीके से हमने खोल के नीचे उतारी है, हमने की कोई गारंटी और वारंटी कोई अवॉइड नहीं होती इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टैंड भी निकल चुका है,
और बहुत ही सही तरीके से ये गैसकेट अभी इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो गैसकेट निकल गई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा भी बंदा लग चुका है। तो यहाँ पे दूसरा जो मॉडिफिकेशन का वर्क था वो गैसकेट का ही था और सीटें लगानी है, तो दूसरा भी बंदा काम पर लग चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरी गाड़ी का भी वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा क्लैंप लगा के फिटिंग किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक बंदा है जो कि नीचे फिटिंग कर रहा है और यहाँ पे ये पूरा क्लैंप फिटिंग होता है, यानी जो कंपनी में से जैसा फिटिंग करता है वैसा एक क्लैंप फिटिंग ही होता है। अगर आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से जो नोजल है उसको फिटिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा सॉकेट को सॉकेट ही वर्क हो रहा गाइस। यहाँ पे इतनी प्रोसेस रहती है जो फिटिंग करने की रहती है, जो सीएनजी गैसकेट की वो इतनी प्रोसेस रहती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सॉकेट टू सॉकेट ही वर्क होता है जो कि कमलेस कार एसेसरीज पे, और यहाँ पे कोई भी कंपनी की गारंटी या वारंटी अवॉइड नहीं होती। और यहाँ पे आप फिटिंग भी इसका देख सकते हो कि जो कंपनी से आया हुआ था उसमें कोई छेड़खानी नहीं की हुई, सिर्फ बॉटल को शिफ्ट किया जाता है। तो गाइस डोंट वरी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम होता है कमलेस कार एसेसरीज पे। और यहाँ पे पीछे की सीटें भी इंस्टॉल हो रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बीच वाली सीट लगने की बाकी है, तो वो भी मैं आपको फिटिंग के बाद ये सभी वर्क मैं आपको दिखा दूंगा और कितनी स्पेस मिलती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी के ओरिजिनल जो गैसकिट है उसमें आप देख सकते हो कि आपको स्पेस ही नहीं मिलती। हमने गैसकिट शिफ्ट करके जो सीटें लगाई हुई है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और कितनी स्पेस हो सकती है वो भी मैं आपको सब दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल वर्क स्टार्ट है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे दूसरी गाड़ी का वर्क स्टार्ट है। तो अभी इसका मैं वर्क आपको, तो इस इको का वर्क ख़त्म हो जाता है, डन हो जाता है, बाद में मैं इसका भी आपको फाइनल वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरी गाड़ी में भी फाइनली जो सीएनजी का वर्क था, मॉडिफिकेशन था, वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको स्पेस मिल रहा है, ताकि आपको बैग्स रखनी हो या कुछ भी रखना हो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिलती है। यहाँ पे अभी मैं आपको सीट भी अनरैपिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे दूसरी सीट भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देख लो गाइस, ये देख लो, तो यानी दो लोग आराम से इधर बैठ सकते हैं। ये देख लो, यहाँ पे दूसरी भी सीट है, तो यहाँ पे दूसरा भी बंदा बैठ सकता है। इधर भी सामने दो लोग बैठ सकते हैं, यानी बहुत ही हैवी ड्यूटी वाली सीट है ये वाली। और हाँ गाइस, इसमें भी क्वालिटी आती है, तो मेरे पास सभी क्वालिटी अवेलेबल रहती है। तो आप हमारे वहाँ की कमलेस कार एसेसरीज पर। और हाँ गाइस, ये मैं आपको बता दूँ कि अभी फिलहाल ये वडोदरा गुजरात में ही है। तो यहाँ पे ये जो सारी एसेसरीज है कंपनी की वो सभी अब अंदर चली जाएगी और कंपनी कस्टमर को वापस दे देंगे हम लोग। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारी कमलेस कार एसेसरीज चैनल को। थैंक यू सो मच।